मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी जो है सुबह सुबह जो है ठीक होंगे। अभी हम एक गंधराज के प्लान पर हैं। गंधराज का नाम आपने जो है सुना ही होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गंधराज को अपने बगिया में अपना गुलन लगाया भी होगा। ये आप ये देख सकते हैं, गंधराज जो है ये वाइट कलर का जो है वो फूल है और कितना जो है ये गुलाब की तरह दिखता है। और ये लगभग जो है 2 फीट 2.5 फीट के जो है हाइट पर होते हैं। इसके पत्ते है ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसकी टहनियाँ जो है चारों तरफ से निकली होती है और इसमें गुच्छानुमा जो है फ्लावर्स जो है वो खिलता रहता है। और इसके इस प्लांट्स के बगल में एक और प्लांट्स है। आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट्स है वो ज़मीन में नहीं है, ये हैंगिंग गार्डन है। कि जो लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है या फिर जो लोग उसका उपयोग कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि आप अब ये देख रहे हैं कि एंगल में जो है इस गमले को जो है अटैच किया गया है छड़ के माध्यम से। और अब दूसरा आप उसका दूसरा देखें, आप मैं कली दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे कली हैं, ग्रीन हैं, कितने एकदम सुंदर सुंदर पैरोट की तरह दिख रहे हैं। यही गंधराज है। एक गंधराज और आप देख सकते हैं यहाँ, ये पूरी तरह से जो है वाइट है और कितना सुंदर है। आप जब इसे इसका जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छा है। और आप जब इसे लगाएंगे या इसके स्मेल को जब आप लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपका दिन जो है पूरा जो है खुशबू से भर जाएगा। तो ये गंधराज के बारे में हमने जानकारी दी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हमारी जानकारी जो अलग अलग विषयों पे हम देते रहते हैं अपने संजीवनी गंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमारा वीडियोस अगर आपको पसंद होता है तो हम प्रकृति के तरफ से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी कामना और ऐसी इच्छाओं के साथ गंधराज के साथ हम विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।